नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया है 11:55 और वेडनेसडे का दिन है। आपने देखा होगा पूरा मार्केट ये लाल 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 ही दिख रहा है आपको, और जो पॉजिटिव वो कुछ 0.02 0.03 ऐसे कुछ करके पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मार्केट को क्या करना है मैं आपको लेवल बता देता हूँ, बाकी फिर इसके बाद मैं अपना व्यू भी बता दूंगा। ठीक है, निफ्टी का लेवल है 15,680 सेम, इसके नीचे जाए तो ही शॉर्ट करना, और जितना 15,700 के करीब आप बाय कर सको तो बाय करिए। ठीक है, 15,700 के करीब आप जितना बाय कर सको बाय करिए, और निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक में 35,600 टूटे तो ही शॉर्ट करना, फिर आपको क्या कहते हैं 34,000 पहला टारगेट 450 और 34,370 ये दो, और इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर गया बैंक निफ्टी। ठीक है, पर इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी 34,900, मेरा व्यू वही है, ऊपर का है मेरा व्यू। ठीक है, बट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, 34,940 के ऊपर ही बाई करें। ठीक है, 34,940 के ऊपर ही बाई करें, नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए, दोनों के लेवल मैंने इनफैक्ट आपको बता दिए, बट मुझे यहाँ पे सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट वो लेवल टूटेंगे तब मैं ज़रूर देखूँगा कि भैया मार्केट क्या मतलब कैसे रिएक्ट करना चाह रहा है। यहाँ से मुझे नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और बाई करने के लेवल मैंने आपको दोनों में बता दिए हैं। निफ्टी में आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, निफ्टी बिल्कुल सही जगह पर है, और 15,700 के करीब जितना मिले वहाँ बाय करिए। एसएल रहेगा आपका 15,680 के नीचे, बट 15,680 टूटता है तो आपको डेफिनेटली 15,615 देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी मैंने आपको बाय लेवल बता दिया है 34,940, इसके ऊपर ही बाय बनेगा, अदरवाइज़ अवॉइड करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर जिसको बाय करने में कम्फर्टेबल वो नहीं फील कर रहा है तो बाय भी ना करें। इसकी क्लोजिंग देखने वाली होगी आज, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है, जो कि लेवल आ रहा है आपका 34,875, तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और कल भी थोड़ा बहुत शायद नाटक हो, बट परसों से मुझे बैंक निफ्टी तेज होता हुआ ही लग रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे, चलो वो अच्छे से चर्चा बाद में करेंगे। यार क्या हो गया, ये अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊँ ना, तो ये 1, 2, 3, 4 पाँचवा वीक है, मूवमेंट तो आया है। देखो मूवमेंट 35,291 से नीचे का 1,200 का मूवमेंट तो है, बट अल्टीमेटली बैंक निफ्टी है उस रेंज में ही। और आप एक चीज़ बताओ, एक चीज़ आपने नोट करी होगी अब तक, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ना तो बैंक निफ्टी ने कोई क्लोजिंग 34,600 के नीचे दी है, ना ही निफ्टी ने कोई क्लोजिंग अब तक 15,600 के नीचे दी है। तो क्लोजिंग बेसिस भी अगर आप देखें तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी 34,600 के नीचे क्लोज देता है तो एक बार को भैया देखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम निफ्टी भी एक भी डे क्लोजिंग इसकी 15,600 के नीचे नहीं है, तो निफ्टी तो कहीं से कमज़ोर नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर आज मार्केट में घूमना होगा ऊपर की तरफ तो वो 2 बजे के लगभग घूम सकता है, 1:30 से 2 बजे के बाद बुधवार के दिन कभी भी मार्केट जो ट्रेंड चल रहा होता है या तो वो तेज़ी से कंटिन्यू होता है या फिर वो रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, यही ऑब्जर्वेशन थी मेरी, लेवल मैंने बता दिए। अब मैं दोबारा घुस रहा हूँ अपने ऑफिस में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।